अंतस योग में आपका स्वागत है। देखिए, वजन बढ़ने का कारण हमारा खान पान और लाइफस्टाइल है। इसके अलावा पेट की चर्बी बढ़ने का कारण चेयर पर घंटों बैठे रहना है। लेकिन समय की कमी के कारण हम अक्सर खाने पीने में लापरवाह हो जाते हैं और फास्ट फूड या एक्स्ट्रा फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम हमारे पेट पर दिखाई देता है। यदि इन सभी समस्याओं से निजात पाना है तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज सभी के लिए सेफ है। चाहे आपको सर्वाइकल है या बैक पेन, सांस को बाहर निकालकर एक पैर को उठाएं और 10 बार करने के पश्चात दूसरे पैर से करें। एक बात ध्यान रहे, यदि पेट की चर्बी के साथ साथ आपको पेट में ब्लोटिंग रहती है, हैवीनेस रहती है, खाने के बाद भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और आप यदि उसका घरेलू उपचार चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी डाइट में खाने के 2 घंटे बाद ज़रा सी अजवाइन का सेवन ज़रूर करें। अजवाइन हर घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। अगर आपको पेट की चर्बी बहुत जल्दी घोलनी है तो गर्म पानी में थोड़ी सी अजवाइन उबाल कर खाने के 2 घंटे बाद इसका सेवन करें। बताइए मनीषा जी, आपने किस लिए अंतस योग ज्वाइन किया था? माइग्रेन के लिए किया था मैम मैंने। तब मैंने बताया था, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे 1 दिन के बाद माइग्रेन की गोली खानी पड़ती थी, लेकिन अभी मुझे 1.5 महीना हो गया है तो सिर्फ मैंने 3 गोली खाई है। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, इसके लिए वो भी खानी पड़ी, नहीं तो नहीं लगती थी गोली मुझे। शुरू करने से मतलब 10 दिन के बाद मेरी गोली बंद हो गई। वेरी गुड। तो अभी भी मुझे बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम मेरी कम हो गई, जो सर दर्द की जो प्रॉब्लम थी वो कम बहुत कम हो गई। क्योंकि वेट को कम करने के लिए शरीर से ज्यादा मन पर काम करना है। वो ऑडियो सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम, उसी से गोली बंद हुई है। पता है गोली बंद हो जाएगी बस इतने बात पे, बाकी सब छोड़ दिया आप पे कि मैम ने बोला है गोली बंद हो जाएगी, बस बाकी मतलब दिमाग में कुछ नहीं रखा और ऑडियो सुनते गए। मतलब बहुत दिमाग को और मन को बहुत शांति मिलती है ऑडियो सुनने के बाद। गोली खानी पड़ती थी, उसके साथ में मुझे एसिडिटी की खानी पड़ती थी, उसके साथ में चक्कर की खानी पड़ती थी, 3 गोलियां खानी पड़ती थी। पहले सिर्फ सरदर्द की जो थी ना, तो उस सरदर्द के बाद चक्कर आने पड़ते, माइग्रेन जो रहते वो, तो बच्चे बोलते थे वो मुझे साउंड नहीं होता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लाइट्स बर्दाश्त नहीं होते थे, अंधेरे में सोना पड़ता था, ऐसा बहुत 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 ज्यादा तकलीफ थी मुझे माइग्रेन की। अब वो आप गोली खा के निभाओ या मेडिटेशन की गोली खा के निभाओ? ऐसा है तो मेडिटेशन की गोली बहुत अच्छी है। मतलब ऑडियो सुना, मतलब पीठ लगी, नींद आ जाती नहीं तो मुझे 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी मैं। ऐसा मतलब आंखें बंद कर लो सो जाओ तो भी वो दिमाग जो था ना वो घूमता ही था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही ट्रैक पे। आप नमस्कार जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, फिट हूँ एकदम आपकी वजह से। आपके तो इतने लवली लवली मैसेज मिलते रहते हैं यूट्यूब पर। मैम जैसा फील होता है ना मुझे, मतलब मैं कह नहीं सकती, आपने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, लाइफ मेरी बहुत अच्छी कर दी है। अरे लेने वाले आप हो ना, लेने वाले भी तो पात्रता भी तो चाहिए ना। सही में मैम, मैं मतलब आपने कहा था 1 महीना 2 महीने 2 मुझे अस्थमा में रिलैक्स मिलेगा आपको, तो मैम सच में मतलब मैं दवाई जो है 1-1 दिन में मैं 2-2 बार ले लेती थी नेबुलाइजर से। ओ, अब मैं मतलब 3रा महीना मुझे स्टार्ट हो गया आपसे जुड़े हुए। मैंने वो मशीन एक तरफ रख दी है उठा के, मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ सच में मैम। मुझे इतनी खुशी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी हैप्पी हूँ। आपसे ज्यादा मुझे खुशी है जब आप ऐसा रिजल्ट देते हैं कि मशीन एक साइड में रख दी। तो मैम अगर 1 दिन में 2 बार लेते थे? मैम बिल्कुल साइड में रख दी मैम, 2 बार ले लेती थी मैं।
दो बार ले लेती थी मैम, और मेरे हेडेक इतना होता था मैम, मतलब हेडेक से शुरुआत होती थी, मेरे हेडेक होता था तो फिर समझ लो मुझे सांस में प्रॉब्लम होने लगती थी कि मैं, मुझे लेना है, मुझे ले बगैर काम नहीं होता था। ओ मैं लेती थी उसको, फिर रिलैक्स लगता था मुझे थोड़ा सा कि मेरे फेफड़ों में रिलैक्स हो गया है, तो फिर मैं काम करती थी। और अब मैं काम भी ऐसे करती हूँ सारा, मतलब 11 बजे मुझे सेशन लेना है तो 10:30-11 तक मुझे काम निकालना है, फटाफट आराम से ऐसी बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जब मैंने मैम ज्वाइन किया था मेरा 63.5 केजी था वेट। अभी मैंने, वैसे मैं वेट को इतना ज्यादा मायने नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे मेरा मेन जो था अस्थमा पे ही वो था फोकस था। तो हाँ जी मैम, तो आपने जैसे डाइट बताई तो मैं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रही, मतलब करती हूँ डाइट पे भी कि थोड़ा सा जब हम अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिटनेस भी आ जाए हमारे अंदर। ये है, अगर आप चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिले तो हमारा एक कॉमन बैच जो सभी एज ग्रुप वालों के लिए है उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।